स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लू रेबिलियन है वो शुरू हुई थी 1859 में, ठीक है, और ये शुरू कहाँ पे हुई है, बंगाल में। ये मैंने आपको सारा बता दिया कि लोकल जमींदार ने, विलेज हेडमैन्स ने सपोर्ट किया पीजेंट्स को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपको पता है कि इससे पहले भी एक रेबिलियन बहुत बड़े लेवल पे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया में हो चुका था। तो ब्रिटिशर्स अब नहीं चाहते थे कि कोई और सेकंड नंबर पे कोई और रेबिलियन हो, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपने गवर्नर को विलेजेस में टूर निकालने के लिए भेजा 1859 में। जब गवर्नर टूर के लिए आए 1859 में, टूर किया गवर्नर ने, तो पीजेंट्स बड़े खुश हुए, उनको लगा कि गवर्नमेंट उनके साथ है, ठीक है। तो उस टाइम मैजिस्ट्रेट जो थे एशले एडन, ये इंग्लिश मैजिस्ट्रेट हैं, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जो पीजेंट है उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। इंडिगो कल्टीवेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट था रियोती सिस्टम के अंडर, उसे साइन करने के लिए पीजेंट को कंपेल नहीं किया जा सकता। और पीजेंट्स ने इस चीज़ को किस कैसे देख लिया, उन्होंने समझा कि शायद मैजिस्ट्रेट एशले एडन सपोर्ट कर रहे हैं रेबिलियन को। पीपल रॉट, उसी टाइम बंगाल में कई तरह के इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग आए जिन्होंने रियोस की मिस्री, उनकी दुखी जीवन के ऊपर बुक्स भी लिखी। तो इससे क्या हुआ, इससे वरिड बाय द रेविलियन, रेविलियन ना हो जाए इस बात से गवर्नमेंट को डर हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन्होंने एक इंडिगो कमीशन सेटअप कर दिया, इंडिगो के ऊपर एक कमीशन बिठा दिया। और जब इस कमीशन ने रिपोर्ट दी तो उन्होंने जब ये कमीशन जो था, जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो प्लांटर है वो गिल्टी है, यानी कि जो इंडिगो की कल्टीवेशन करता है, करवाता है, वो इंग्लिश मैन, वो प्लांटर गिल्टी है। और इस कमीशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो प्रोडक्शन से रियोत को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, यानी कि वो रियोत जो है वो लॉसेस में है इंडिगो प्रोडक्शन करके। तो कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी अपनी, उसने कहा कि रियोत फुलफिल कर ले एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को, पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करे। तो इंडिगो की प्रोडक्शन जो थी इस तरह से बंगाल में कोलैप्स कर गई, बंद हो गई, और जो प्लांटर था वो शिफ्ट हो गया बिहार की तरफ, और उसने जाके बिहार में इंडिगो की कल्टीवेशन करवानी शुरू कर दी। जो महात्मा गांधी जब वहाँ पे विज़िट किए थे बाद में बहुत टाइम बाद, तब उन्होंने वहाँ पे इंडिगो कल्टीवेटर की प्लाइट को देखा, उसकी तकलीफ़ को देखा, तब उसके बाद बच्चे चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चंपारण मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ ये मूवमेंट हुई थी। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको सारा समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने महलवाड़ी सिस्टम, रियोतवाड़ी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिगो की कल्टीवेशन क्यों करवाई गई, और बंगाल में इंडिगो की कल्टीवेशन कैसे कोलैप्स हो गई, फार्मर क्यों नहीं चाहता वो इंडिगो की कल्टीवेशन करे। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आज की जूम क्लास में हम उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। 9465166627 इज़ माई फ़ोन नंबर, एंड एज यू नो आई एम योर क्लास असिस्टेंट टीचर अंजू गुप्ता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चे।